साथियों, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको किताबों में मिल जाते हैं। एक साइट इंजीनियर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें साइट पर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके बारे में कहीं भी जानकारी नहीं होती है। तो क्या किया जाता है कि अपने दिमाग को चलाकर, दिमाग के घोड़ों को चलाकर जो है वो हम जुगाड़ करते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का ही जुगाड़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन करने की एफिशिएंसी जो है, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो है वो आपका काम आसान हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अविनाश शर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। और आज इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा वो ना ही किसी ने अपने चैनल पर दी होगी और ना ही आपके साथ इस तरह की नॉलेज जो है वो साझा की होगी। वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथियों, आप देख रहे हैं कि कॉलम के बॉटम में रिइंफोर्समेंट के छोटे छोटे टुकड़े एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जो आपकी बार है, स्टील बार है, उसे एक्सटेंड कर दिए गए। अब ये क्या बला है, क्यों कर दिया है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथियों, आप बाहर देख पा रहे हैं कि बीम के बाहर या फिर कॉलम का एंड जो है, एंड का सरफेस जो है, बाहर का सरफेस जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे बीम के साथ लगा हुआ है और ना ही उसके आगे कोई भी छज्जा एक्सटेंड किया गया है, फिर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का कोई भी कॉन्क्रीट मेंबर आगे नहीं है। अब ये इमारत जो है वो 4 से 5 मंजिला इमारत जो है वो भविष्य में बनेगी, तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि कोई भी कॉन्क्रीट मेंबर जो है वो बीम से आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है और आपके कॉलम का बाहरी सरफेस जो है वो बिल्कुल बीम के साथ सटा हुआ है, एक समान है, बिल्कुल प्लेन है, समतल है ये बीम और कॉलम का आपका सरफेस, आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि हम कॉलम की शटरिंग फॉर्मवर्क जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर जो आपका प्लैंक लगेगा आपके फॉर्मवर्क का, जो प्लेट होगी, स्टील की प्लेट या फिर वुड की प्लेट होगी, वुड होगी, उसका बोर्ड होगा, वो कैसे लगेगा। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीचे से हमने क्या किया, जब कास्टिंग से पहले यहाँ पे बार प्रोवाइड कर दी, जुगाड़ कर दिया। इस जुगाड़ से आसान काम हो गया, हमें जो है फोमवर्क को लगाना आसान हो गया। बाहर का जो प्लैक रहेगा आपके फोमवर्क का, जो स्टील की प्लेट आप देख पा रहे हैं, उसे हम जो है इस बार के ऊपर रख पाएंगे और आसानी से जो है फोमवर्क या फिर नट बोल्ट की मदद से हम फोमवर्क को, कॉलम की शटरिंग को फिक्स कर सकते हैं और कॉलम की शटरिंग जो है वो पोजीशन में रहेगी। तो बहुत बड़ा फ़ायदा इस छोटे से जुगाड़ से हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके, या फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। जब आप साइट पर जाएंगे, काम करेंगे, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएंगे, तभी आपको जो है वो इस तरह की टेक्निकल बातों के बारे में पता चलेगा, जानकारी आपको मिलेगी। और इन फ्यूचर आपके साथ इस तरह की समस्या हो कि आपके पास जो है बाहर फॉर्मवर्क को टिकाने के लिए, उसे पोजीशन में रखने के लिए किसी भी तरह की कोई भी सरफेस ना हो, तो वहाँ पर आप इस तरह से जो है वो बार को एक्सटेंड करके उसके ऊपर फॉर्मवर्क को रख सकते हैं, उसे पोजीशन में रख पाएंगे और आसानी से फॉर्मवर्क को फिट कर सकते हैं या फिर फॉर्मवर्क कर सकते हैं कॉलम की। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।